की खूबसूरत अभिनेत्री मुनमुन सेन। मुनमुन सेन का जन्म 28 मार्च सन 1948 में हुआ। जन्म का स्थान कलकत्ता। मां सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुचित्रा सेन और पिता दिवानाथ सेन। मुनमुन सेन के पिता एक बड़े ही रईस व्यापारी परिवार से आए थे। इनके दादाजी आदिनाथ सेन बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और इनके परिवार की पहले की पुश्तें त्रिपुरा के राजघराने से ताल्लुक रखती थीं। मुनमुन सेन की पढ़ाई लोरेटो कॉन्वेंट शिलोंग में हुई और लोरेटो हाउस कलकत्ता में भी। कॉलेज कंपाउंड में स्कूटर पार्किंग अलाउड नहीं। बचपन में इन्होंने देखा कि इनकी माँ शूटिंग्स के लिए जाया करती थी और सुचित्रा सेन के अभिनय की खूब तारीफ हुआ करती थी। खुली हवा में डोले रे, आज मेरा मन बोले रे, दिल के बहार लेके आएगा सावरिया। शुरुआती पढ़ाई कलकत्ता और शिलोंग में कर देने के बाद इन्हें भेज दिया गया इंग्लैंड, जहाँ पे समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने ग्रेजुएशन की और अपने एमए की डिग्री कंपेरेटिव लिटरेचर में ली जादव यूनिवर्सिटी कोलकाता से। बचपन से ही मुनमुन सेन की कलाकार प्रवृत्ति नजर आने लगी थी। इन्होंने ड्राइंग सीखी जेमिनी रॉय से, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक रहे। अभिनय के साथ साथ इन्होंने बालीगंज गवर्नमेंट हाउस स्कूल में एक बरस के लिए पढ़ाया भी था और समाज सेवा में भी ये बहुत सक्रिय रहीं। आपकी तकलीफ बताई तो उनसे रहा न गया। नजर डालते हैं इनके एक्टिंग करियर की तरफ। ओ अमर, तुम कितने बदल चुके हो, तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं। मुनमुन सेन ने अपने करियर की शुरुआत की थी जब इनकी शादी हो चुकी थी। कल हमारी शादी की पहली सालगिरह है और ये माँ भी बन चुकी थी। सन 1984 में फिल्म अंदर बाहर से इनकी शुरुआत हुई। वो रोल इतना बोल्ड और जबरदस्त था कि बात काफी बिगड़ी भी और हो हल्ला भी हुआ। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर बताओ, टक्कर मेरी गाड़ी ने मारी। ये वो वक्त भी था जब मुनमुन सेन माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म 100 डेज में नजर आई थी और फिर जख्मी दिल। 1980 में कुछ एड फिल्म्स में इन्होंने काम किया और वो एड फिल्म्स भी उस जमाने के हिसाब से काफी बोल्ड मानी गईं। Agreed. जब ये एक्टिंग में बहुत सक्रिय थीं, तब इन्हें कलकत्ता और मुंबई के बीच में भाग दौड़ करनी पड़ती थी और सिर्फ हिंदी और बंगाली फिल्मों में ही ये नजर नहीं आई, बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी और कन्नड़ा में भी ये नजर आई। इन्हें नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से नवाजा गया था सन 1987 में। फिल्म का नाम था श्री वेन्नेला। सन 1978 में ही मुनमुन सेन ने शादी कर ली थी इनके पति भारत देव वर्मा। इस शादी से इन्हें दो बेटियां हुईं, बड़ी बेटी रायमा सेन और छोटी रिया सेन। दोनों ने ही फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग की दुनिया में खूब जगमगाहट फैलाई। मुनमुन सेन ने हमेशा माना कि इनके पति ने इन्हें काफी प्रोत्साहित किया और यही वजह रही कि शादी के बाद भी ये फिल्मों में काम कर सकीं। धीरे धीरे इन्होंने मुंबई शहर छोड़ दिया और अपनी माँ सुचित्रा सेन के पास कलकत्ता चली गईं। अब तो बस वही हैं जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। और सन 2014 में मुनमुन सेन तृणमूल कांग्रेस की सदस्य बनी और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुनमुन सेन उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया और राजनीति में भी अपना नाम कमाया। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।